हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सुबह सुबह आप सोच रहे होंगे कि पापा और मैं कहाँ जा रहे हैं। कभी पापा हम जा रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ आज 2-4 दिन के लिए। तो पापा जा रहे हैं भाई एक हफ्ते के लिए गाँव हमारे, और पापा क्योंकि बीच बीच में पापा गाँव जाते रहते हैं और उनको भी अच्छा लगता है गाँव में, और दूसरी बात कि गाँव में बहुत सारे काम होते हैं इसलिए पापा जा रहे हैं गाँव। तो अभी मैं पापा को छोड़ने जा रहा हूँ बस स्टैंड ऋषिकेश और श्यामपुर, ये हमारा श्यामपुर है जहाँ पर हम रहते हैं, और यहाँ से ऋषिकेश तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। तो अभी मैं पापा को लेके जा रहा हूँ बस स्टैंड, बस में बिठाऊँगा पापा को और उसके बाद पापा डायरेक्ट जो है गाँव चले जाएँगे। लेकिन यार, हालाँकि पापा स्कूटी से जा सकते हैं बट ना ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि यार जब इंसान की एज ज़्यादा धीरे धीरे हो जाती है ना, तो यार ये स्कूटी चलाना ना बहुत दिक्कत करता है, मतलब आसान नहीं है। हम जैसे लोग तो आसानी से चला लेते हैं, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है उनको वो भी चला लेंगे बट उनको प्रॉब्लम आएगी यार, है ना। तो इसलिए पापा बस से जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं सीधा बस स्टैंड। तो अभी दोस्तों पहुंच चुके हैं बस स्टैंड, और ये है गढ़वाल बस स्टैंड जहाँ से पहाड़ों के लिए गाड़ी मिलती है, बस मिलती है। और इस साइड है रोडवेज का बस स्टैंड, सामने ये रोडवेज बस स्टैंड है जहाँ पर ना सारे रोडवेज की बस मिलती है, दिल्ली चंडीगढ़ या फिर बाहर की जो बसें जाती है। तो अभी हमें जाना है टी बस स्टैंड पे, तो अभी हमें जाना है इस बस से सामने चंबल लमगांव, और इसकी हमें लेनी है टिकट। तो भाई टिकट काउंटर है पीछे, तो चलते हैं टिकट काउंटर में, देखते हैं कि टिकट आखिर मिलती कितने की है। और अरे नमस्कार गुरु जी, यसो भाई क्या हाल चाल, सब मजा वहाँ लमगो टिकट का दिखला 220 एक टिकट। तो यार अभी पापा के लिए टिकट हमने ले ली है लमगांव की, और इस टिकट का प्राइस है 220 रुपये की टिकट है। तो एक बैग तो पापा ले गए अंदर, और दूसरा बैग हम उठा लेते हैं, इसको शिफ्ट करते हैं अंदर। तो अभी यार दोस्तों हमने पापा को बिठा दिया बस में, और सामने देख सकते हैं पापा बैठ चुके हैं, और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ घुमाने त्रिवेणी घाट। तो अभी दोस्तों हम पापा को बिठा के तो आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह 7 बज चुके हैं, और मैं आ चुका हूँ आपको गंगा जी के दर्शन करवाने त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में। और आप देखो यार पीछे का ना कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और पूरी फॉगी फॉग है, पूरे बादल ही बादल है बिल्कुल गंगा जी के किनारे। और इस साइड है आरती घर सामने, और लोग सुबह सुबह भाई नहाने आते हैं, देखो कितनी ज़्यादा श्रद्धा है गंगा माता के लिए लोगों की। तो यार हम भी बस यहाँ पर थोड़ा सा ना जल अपना जो है चढ़ा लेते हैं, और साथ ही साथ में थोड़ा जो है गंगा जी के पास बैठ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आप कमेंट करके यार ज़रूर बताना कि आप कभी त्रिवेणी घाट आए हो, अगर आप लोकल हो तो आप आते रहते होंगे, बट अगर आप बाहर से हो तो आप कमेंट ज़रूर करना कि आप त्रिवेणी घाट में कहां पर आए हो और कहां कहां आप घूमे हो। और यार दोस्तों जब भी कोई त्रिवेणी घाट घूमने आता है ना, तो यहां पर फोटो क्लिक ज़रूर करवाता है, भगवान शिव जी हैं और माता पार्वती जी हैं, तो यहाँ पर अगर आपने फोटो क्लिक करवाई है तो कमेंट करना। इसके अलावा आरती घर के जस्ट बगल में गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण और यहाँ पर अर्जुन की फोटो है, यानी कि बहुत बड़ी यहाँ पर जो है लोग पिक्चर क्लिक करवाते हैं, बहुत बड़ी सीनरी लगी यहाँ पे। और ये है आरती का पॉइंट जहाँ पर शाम को डेली आरती होती कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ना बहुत सारे लोग अपने पितरों के लिए यहाँ पर जो है आरती करवाते हैं। तो आरती गंगा आरती के लिए यहाँ संपर्क करें, कुछ दिया गया नंबर्स। और इसके अलावा यहाँ पर पूरा एरिया ही आरती वाला है, और यहाँ पर बगल में जस्ट एक माता की मूर्ति है सामने, और इसके अलावा नीचे लोग ना यहाँ पर स्नान करते हैं। तो ये पूरा का पूरा एरिया है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार यहाँ पर वॉशरूम है, तो वॉशरूम भी भाई है, बाथरूम है वहाँ पर सामने लेडीज और जेंट्स के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ और आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा यार यहाँ पर देखो हमारे देश का फ्लैग झंडा बिल्कुल बहुत बड़ा लगा हुआ है यहाँ पे, और जब हवा चलती है ना तब बहुत अच्छे से फैटता है ये, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर त्रिवेणी घाट की कुछ डिटेल्स लिखी गई है कि त्रिवेणी घाट किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो कि यहाँ से जो है शिवानंद आश्रम 3 किलोमीटर है, स्वर्गाश्रम 4 किलोमीटर, कैलाश निकेतन आश्रम 2 किलोमीटर, राम झूला 3 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला, यहाँ पर जो है इस तरीके से बहुत सारी डिटेल दी गई है। तो जो घूमने आते हैं ना गाइस उनके लिए ये डिटेल बहुत काम की है। इसके अलावा जो मेन बस स्टैंड है ना वहाँ से त्रिवेणी घाट पड़ता है मुश्किल से 1 किलोमीटर, है ना, और ये है त्रिवेणी घाट का एंट्री गेट। और एक कमाल की बात ये गाइस कि यहाँ पर ना भाई 2-व्हीलर की पार्किंग एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो अभी हम निकलते हैं घर और सीधा मिलते हैं आपको घर पे। तो लो जी गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी आप देखो कि मून ही ना
अपने ब्लॉग देख रही है, यानी कि हमारे ब्लॉग देख रही है, क्योंकि इसको भी नहीं पता होता कि आखिर ब्लॉग बनते कैसे हैं और बनाते हम क्या हैं। तो इसको ना बाद में जब ब्लॉग देखती है ना, इसको मजा आता देखने में इसको भी। तो आपको हाँ, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि एडिटिंग मैं ही करता हूँ तो उसमें टाइम लगता है, और इसको फाइनल ना ये ब्लॉग हमारे देखती रहती है, अपने ही ब्लॉग खुद देखती है। तो जैसे आप लोग देखते हो ना, तो इसको भी बड़ा मजा आता है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ यार कि आपको ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मैं वही ब्लॉग देख रही हूँ जिसमें मैं तुमसे पैसे ले रही हूँ। तो अभी ये पैसे ले रही थी मुझसे, तो ब्लॉग देख रही है। तो यार दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि अपने घर की मैं खुद तराई खुद कर रहा हूँ। इसका रीजन पता क्या है कि यार इनके भरोसे छोड़ देगा ना जो हमारे घर पे काम कर रहे हैं लड़के भाई, ये बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं। और सच बताऊं कि अपने घर का ना ध्यान खुद रखना पड़ता है यार, कोई और ध्यान रखेगा नहीं। तो इससे बढ़िया मैंने सोचा कि चलो यार खुद ही तराई करना शुरू कर दे। और यार दोस्तों सच बताऊं कि ना अभी ना पापा चले गए घर गांव, तो एक हफ्ते के लिए गांव गए पापा, तो सारी जिम्मेदारी मुझे देखनी पड़ रही है अपने प्लॉट पे जहां पर घर बन रहा है। और सबसे कमाल की बात बताऊं मैं आपको कि अगर आपको भी घर का काम करवाना ना यार, कभी भी ये गलती आप मत करना जो मैं आपको बता रहा हूं। कि सबसे पहली चीज कि आपको ठेकेदार को ठेका कभी नहीं देना। अगर आप खुद अपना घर का ध्यान रख सकते हो और आप ना अपने घर में खुद अपने सामने काम करवा सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप सबसे बढ़िया है कि आप लेबर रेट में, यानी कि सारी लेबर उनकी रहती है और मटेरियल जो आपका सीमेंट हो गया, रेत हो गया, ईंट हो गया और बहुत सारी कंक्रीट हो गया, तो वो सारा सामान आपका खुद का रहेगा। लेकिन हमने ना यहाँ पर ठेके पे दिया हुआ है, यानी कि स्क्वायर फीट के हिसाब से सारा माल जो है ठेकेदार का है, हमने बस पेमेंट करनी है। लेकिन ठेकेदार बेस पे ना यार काम सही से होता नहीं है, और बार बार ना बोलना पड़ता है कि भाई ये काम करो, आज लेबर कम है, आज आपने मिस्त्री कम भेजा, आज आपने लड़के कम भेजे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप ये गलती कभी मत करना। अब मेरे को पछतावा हो रहा है कि भाई मैंने ठेके पे क्यों ठेका दिया, मुझे भी लेबर रेट पे देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं गाइस, मैं तो इस चीज़ में फंस गया हूँ, बट आप लोग इस चीज़ में मत फंसना और आपको ये आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। और यार दो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जब आप ना ठेकेदार बेस पे अपना घर का काम देते हैं ना, तो और लेबर रेट पे देते हैं, तो आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। देखो, अगर आप ठेके पे देंगे तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हमेशा ना ठेकेदार कोशिश करता है कि वो अपने हिसाब से माल लगवाए, सीमेंट अपने हिसाब से लेके आए, कम ज़्यादा कितना क्या लगाना है अपने हिसाब से डिसाइड करता है। बट अगर आप लेबर रेट पे देते हो ना, तो अपने हिसाब से आप मटेरियल लगा सकते हो, जैसे सीमेंट आपको कितनी लगवानी है या फिर आपको क्वालिटी वाला सामान लगवाना घर पे, तो आपको कोई झिकझिक नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो मन करेगा आप वो लगवा सकते हैं, वो मटेरियल मंगवा सकते हैं। और दूसरा फायदा आपका ये होगा कि भाई आपके ना पैसे बचेंगे। अब कैसे, अब देखो अगर आप ठेकेदार बेस पे अगर घर का ठेका देते हैं या फिर किसी भी चीज़ का ठेका देते हैं ना, तो आप ना लमसम एक बताते हो कि भाई मेरे को ठीक है ये स्क्वायर फीट के हिसाब से 1400 1500 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मैंने मकान का ठेका लिया, ठेकेदार को दे दिया है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता क्या आती है कि कम से कम अगर आप लेबर रेट में देते हो ना, तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं। कम से कम ना भी तो अगर इतने बड़े घर में अगर हम काम करवा रहे हैं, तो कम से कम अगर मैं इसको लेबर रेट में करवाता तो 3 लाख रुपये कम से कम लमसम मेरे आइडिया से मुझे बच जाते। तो यहाँ पर आप जो है पैसा भी बचा सकते हैं, जो कि बहुत कमाल की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके हमेशा काम आएगी जब भी आप घर बनवाना चाहोगे। तो अभी दोस्तों बज रहे हैं रात के 8, और अभी आप देखो कि मोनी लगी हुई बिजी है बिल्कुल। और क्यों बिजी है मोनी बताएगी। आज हम लोग बना रहे हैं सैंडविच। क्या बना रही हो? सैंडविच। ओह माय गॉड। तो उसके लिए हमने अपना स्टफ तैयार कर लिया है, जो टॉपिंग्स हमें यूज करनी है। और ये देखो गाइस कितना इसने ना बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करी है। इसमें मैंने पता क्या है, खीरा, टमाटर, प्याज, काली मिर्च और ओरिगैनो, मेयोनीज, बहुत सारी चीजें डाली है। और हम लोग चीज भी लेके आए। इसने मेरे ना 400 से 450 रुपए खर्च कर खा दी है। तो खाओगे नहीं? हाँ खाऊंगा, मजाक कर रहा हूँ मैं। और ये है ब्रेड। और अभी ना यार एक चीज और कि आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं। तो यार हम बाहर जा नहीं सकते हैं, इसका रीजन क्या है मुनी बताएगी। बहुत बारिश हो रही है आज, बाहर जाके कोई फायदा नहीं, ऊपर से इस टाइम पे कहाँ जाएंगे। हाँ तो हम टेंपल पे जाने की सोच रहे थे, बट प्रेगनेंसी भी मुनी की, और दूसरी बात की बारिश हो रही बहुत ज्यादा। तो अभी देखते हैं यार कि कैसा बन के तैयार होता है, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। और दूध भी हमारा, आज हमारा दूध एक्चुअली हम लोग लेट लेके आए क्योंकि भाभी जी थी नहीं घर पे, तो दूध उन्होंने फ्रिज में रख दिया था लेकिन वो गर्म नहीं हुआ था ना प्रॉपर, तो इसलिए हम लोग फट गया, नुकसान हो गया आज। चलो अब देखते हैं मोनी कैसे सैंडविच तैयार करके रखती है। तो फाइनली दोस्तों मोनी ने यहाँ पर जो है सैंडविच ना रेडी कर दिया है, और साथ ही साथ में हम चाय के साथ जो है सैंडविच खाने वाले हैं। कुछ ऐसे और कुछ ऐसे दिख रहे हैं, देखो यार लाजवाब बनाया तुमने तो मोनी, टेस्टी भी हो रहे हैं, ऐसे नहीं दिखने में, पर
पता नहीं यार दिखने में तो खास है, बट मैंने मसाला टेस्ट किया था इसका, बड़ा टेस्टी हो रहा है यार। और ये तुम्हारी चाय, ये चाय भाई बहुत जरूरी है ना, बिना चाय के कहां, बिना चाय के तो मजा ही नहीं आता है। और ये खाऊंगा मैं और मोनी खाएगी सिर्फ दो, है ना, ठीक है। तो चलो यार गाइस हम खा लेते हैं फटाफट से।